अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का हमारे इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश यानी भारत में एक नए संसद का उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देश के अंदर पहली बार एक दूसरे संसद का उद्घाटन किया गया, और इससे पहले हमारे जो पुरानी संसद थी जिसको बनाया गया था 1927 में, और हमारे राजनेताओं अंग्रेज़ों की मदद से वो संसद को बनाया गया था। लेकिन आज जो गर्व की बात यह है कि पहली बार देश के अंदर हम लोगों के राजनेताओं ने एक जो है विशाल संसद का निर्माण किया, और ये बहुत गर्व का माहौल है कि 28 मई को नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं इनके हाथों तो इस संसद का उद्घाटन हुआ। और त्रिकोणीय आकृति का ये संसद पुरानी संसद के बिल्कुल बगल में ही है, और बहुत ही खुशी हुई। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक अफसोस की बात भी हम लोगों के सामने आई कि संसद से जो नया संसद है जहाँ पर उद्घाटन हो रहा था उससे कुछ दूर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। वो वृद्धभूषण के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे थे और इंसाफ के लिए बेटी जो है लड़ रही थी, लेकिन उसके ऊपर पुलिस ने क्या किया, लाठीचार्ज किया, उसको बस के अंदर डिटेन कर लिया गया। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना दिन से ये इस मसले को सुन रहे हैं, लेकिन इस पर एक बात भी अभी तक उन्होंने नहीं कहा, और ये बहुत ही अफसोस की बात है। ऐसा इस देश के अंदर हो रहा है कि खुशी का माहौल भी है और एक तरफ गम का माहौल भी है। यही बीजेपी पार्टी, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं कि चाहे किसी की भी सरकार होती तो क्या वो सरकार भी इसी तरह से करती? तो इस तरह की सरकारों को चुनने से हम लोगों को क्या फ़ायदा? तो हम लोग ये वीडियो, मेरा जो मकसद है इस वीडियो बनाने का कि एक खुशी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 28 मई को नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद को रेडी किया और उद्घाटन भी करवाया इसका, और लगभग 2 साल 4 महीने में ये संसद बनकर तैयार हो गया। अब बहुत ही खुशी की बात है, पुराना संसद बनने में तो 5 से 6 साल का समय लगा था, और इसको चूँकि अभी आधुनिक युग में हम लोग हैं इसलिए बहुत तेज़ी के साथ आधे वक्त में ही, पुराने संसद के आधे वक्त में ही ये संसद बनकर तैयार हो गया, और बहुत ही खुशी की बात है। तो इस तरह से देश के अंदर ये माहौल देखने को मिला कि जिस जगह पर खुशी मनाई जा रही है उसी से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही जो है हमारी बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। बेटियाँ अपने से आकर के आवाज़ उठा रही हैं ताकि मोदी जी के कुछ कानों में आवाज़ जाए और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और जो भी मंत्री इस तरह का कार्य किया है उसको, उसके ऊपर जो है सही से कार्रवाई हो सके, और देश जो है हमारा फिर से उसी तरह से खुशी मनाए जिस तरह से हम लोग मनाना चाहते हैं। और आज सच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन चलिए हम इस संसद से जुड़ी हुई बातों को, मतलब संसद से जुड़ी हुई और भी अच्छी अच्छी बातों को हम आपको वीडियो की मदद से पहुंचाएंगे, और बहुत जानकारी की बात जो कि यूपीएससी बीपीएससी या विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में आपको ये क्वेश्चन के रूप में दिखाई देगा, और बहुत ही खुशी की बात है कि चलिए हम इस वीडियो के ज़रिए अपनी खुशी को शेयर कर रहे हैं। और एक गम भी है कि बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा, यही बीजेपी पार्टी जो है का नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है देश के अंदर। इस पर हम लोग सब लोग आवाज़ उठाएं और सब लोग एक वीडियो बनाएं और वीडियो बना करके पोस्ट करें उन बेटियों के लिए। इतना तो आप कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने गोल्ड मेडल जीत करके भारत को दिया, भारत का नाम रोशन किया ओलंपिक के अंदर। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।